हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर एकर। तो मैं उमेंद्र यादव और आपके लिए लेके आया हूँ आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सेकेंड यूनिट बता दें आप कौन सी है। तो पहले सेकेंड यूनिट ध्यान रख लो, सेकेंड आपकी है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ठीक है, फर्स्ट आपकी है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड है ट्रांसलेशन, मतलब पूरा लिखा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इसे हिंदी में बोलते हैं अनुवाद। ठीक, अनुवाद। तो इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ट्रांसलेशन क्या होता है और प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन की विधि क्या थी। मतलब ये ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक क्रम होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये चीज मैंने एक वीडियो में पिछले में से कल वाले में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। ठीक, क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड यानी बोले तो आप जीन कोड। ठीक है, जीन कोड क्या होते हैं, जीन कोड। सिंपल चीज मैं लिख दी, आपकी परिभाषा नहीं लिखी, केवल जेन कोड लिखा है, जेनेटिक कोड। ठीक, ये आपकी हड्डी डालेंगे, पहले से ही हड्डी डालेंगे। अब क्या होता है, तो जीन कोड यानी जेनेटिक कोड क्या होता है, आनुवांशिकी कोड। ठीक है, जेनेटिक एक अलग लिखेंगे, आनुवांशिकी कोड बोल देते थे। ठीक है, हिंदी बोलेंगे आनुवांशिकी कोड, क्योंकि इसकी हर एक शब्द से परिचित रहो, आनुवांशिकी कोड। आनुवांशिकी कोड या आनुवांशिकी कूट करके लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेगा, कूट करके भी लिख देगा, आनुवांशिकी कूट। तो क्या होता है, आनुवांशिकी कोट तीन क्षारीय, तीन नाइट्रोजन क्षारीय मूलक से बनी एक भाषा होती है, एक भाषा होती है। ठीक, भाषा होती, क्या भाषा होती है वो लिखेंगे। देखो, लिखेंगे आनुवांशिकी या जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजन क्षारीय, तीन नाइट्रोजन क्षारीय। ठीक, जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजन क्षारीय या क्षारकों से, ठीक, क्षारीय मूलकों से बनी, मूलकों से बनी बनी एक भाषा है। ठीक, क्या है, एक भाषा है, बनी एक भाषा है, ध्यान रहेगा। अभी मैं इसका हिस्ट्री पूरा आपको सामने पूरा, जेनेटिक कोड से कहीं भी क्वेश्चन आप मुझे टैब से पूछे, ठीक, खोजकर्ता से पूछे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी जेनेटिक कोड में क्या है, तो बोलेंगे जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजन क्षारीय मूलकों से बनी एक भाषा है। सिंपल लिख लेंगे, बनी एक भाषा है। ठीक, किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को, अब क्या होता है, अब ये कोड है ना, कोड होता है कोड, ये तो किसी पर भाषा हो गई जेनेटिक कोड की, जेनेटिक कोड। अब कोड क्या है, चलो जेनेटिक तो मालूम हमें, जेनेटिक हमें पता है, लेकिन हमें पता नहीं कोड क्या होता है, हमें नहीं पता है कोड क्या होता है। तो लिखेंगे किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड कहते हैं। ठीक, किसी विशिष्ट, लिखेंगे किसी विशिष्ट, किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को कोड कहते हैं। क्लियर, सारी चीजें बताओ एक बार, सभी लोग कहते हैं। सिंपल लिखेंगे आनुवांशिक कोड क्या है, तो जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजन क्षारीय मूलक से बनी एक तीन भाषा, मतलब एक भाषा होती है। ठीक, फिर लिखा है कि अब समझ में आया कि कोड क्या होता है, कोड, केवल कोड। तो बात करते हैं कोड की, किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड कहते हैं, किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड कोड रखने की क्षमता रखती है, किसी विशिष्ट अमीनो एसिड के कोड कहते हैं।
अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं अलग से AUG, ठीक है। अब आपको AUG और AGE जो आपको पहले से मालूम थी, जो नाटन क्षार होते हैं DNA और RNA जब अंतर पढ़ा होगा आपने तब, ठीक। सिंपल आपके जानकारी लिए मैं बता दूं, इसे मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आप इसे लिखना चाहते हैं, हम लिख रहे हैं जीन, हम पढ़ रहे हैं जीन कोड, ठीक, जेनेटिक कोड पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ेंगे, बाकी ये चीज़ हटा देंगे। मैंने बता दी कि ये क्या होते हैं, प्रत्येक एक विशिष्ट जीन होता है जिसमें आपका क्या उपस्थित होता है, तो जेनेटिक कोड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब लिखेंगे इसमें और थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता। अब लिखो नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता मैथाई, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, इनके याद रखना, मैं अलग से रख दूंगा आपके लिए, मैथाई, ठीक। एक लोग ना मैथाई है, दूसरे आपके हैं ओकोवा, ठीक, मैथाई ओकोवा, हैली खुराना, और अगले हमारे आते हैं हर गोविंद खुराना, नाम सुना होगा आपने, भारत के मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, हर गोविंद खुराना, पूरा नाम हो जाएगा इनका, ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें, क्या नाम इनका। इन्होंने क्या किया था, प्रोटीन के बीच संबंध का पता लगाया, ठीक, प्रोटीन के बीच संबंध का पता लगाया, DNA वैज्ञानिकों ने DNA RNA और प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन के बीच संबंध का पता लगाया, ठीक है, के बीच संबंध का पता लगाया, ठीक, वैज्ञानिकों ने DNA RNA प्रोटीन के बीच क्या किया, संबंध का पता लगाया। इसमें ये आपके शामिल है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जीन संश्लेषण के लिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, ठीक है, जन्म भारत में हुआ था, बाद में इन्होंने अमेरिकी की नागरिकता ले ली, ठीक। इन्होंने पता लगाया, उन्होंने RNA की छोटी श्रृंखला, देखो, ठीक, पता लगाया। अब हम सीधे पढ़ेंगे आपके जीन की तरफ, जीन में कि प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, पता होना चाहिए 20 अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने में या प्रोटीन को बनाने में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, ठीक, करेगा प्रोटीन्स बनाने में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, ठीक, अतः इनके लिए कम से कम 20 सूचना संकेत चाहिए, ठीक, क्योंकि 20 भाग लेते हैं तो प्रत्येक के पास सूचना चाहिए, ठीक, तो उतने ही कोडॉन होने चाहिए, अभी मैं आपको एक
एग्जाम्पल लूंगा तब पता चलेगा सही से, ठीक है। अतः इनके लिए बीस सूचना संकेत चाहिए, ठीक। इनके लिए 20 सूचना संकेत चाहिए, मतलब mRNA भी 20 होने चाहिए, कहने का मतलब 20 सूचना संकेत चाहिए। जो मैसेंजर RNA होते हैं उनकी संख्या 20 होनी चाहिए, ठीक। ना तो बाय चांस 10 मिल गई, फिर 10 को इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ठीक। तो 10 की इन्फॉर्मेशन आगे कौन भेजेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। पहले एक वैज्ञानिक अलग अलग होते, सबसे पहले तो 4 ही होते, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर 16 बने, ठीक। फिर तीसरे अलग तीसरा प्रयास किया गया था, उसमें आपके कोड बने थे, ट्रिपलेट कोड बने थे, ठीक। तब जा करके सबको सूचना मिल पाई थी बराबर बराबर। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये लिखेंगे 20 सूचना संकेत, सूचना संकेत या इसे बोलते हैं कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। सूचना संकेत या कोडॉन्स चाहिए। कितने कोड चाहिए? तो 20, क्योंकि 20 जितने भी अमीनो अम्ल हैं उतने ही कितना होना चाहिए, मतलब कोडॉन्स होने चाहिए, तब जाकर के सूचना एक दूसरे के आगे ट्रांसफर होगी, ठीक। अर्थात DNA और RNA, ठीक। इसका अर्थ है, लेकिन अर्थात DNA DNA RNA DNA और RNA के चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, DNA RNA के चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार तीन तीन समूह का अनुक्रम निर्धारित करते हैं, ठीक। तीन तीन समूह का नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम बनाते हैं, ठीक। अनुक्रम बनाते हैं, ठीक है। यही अनुक्रम, ठीक, जो अनुक्रम बनता है यही अनुक्रम क्या होगा, थोड़ा ऊपर करेंगे इसे, यही अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एक अमीनो अम्ल को निर्धारित करता है, ठीक। यह अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एक अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित करता है, ठीक। यह अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक एक अमीनो अम्ल का क्रम निर्धारित करता है, ठीक। एक एक अम्ल का क्रम निर्धारित करता है, ठीक है। तीन नाइट्रोजन क्षार के क्रम को त्रिकोडान, अब ये तीन तीन होते हैं, ठीक है, तो इसी से आ जाता है ट्रिपलेट कोडान, ठीक है। ट्रिपल कोड या ट्रिपलेट कोड करके ट्रिपलेट कोडान बोल देते हैं, तो और लिख लेंगे, निर्धारित करता है तीन नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को, ठीक है। क्या बोलेंगे? तीन नाइट्रोजन
तीन नाइट्रोजन क्षारकों के एक क्रम को ट्रिपलेट, ठीक, ध्यान रखना, मैं अभी आंच थोड़ा हाईलाइट कर लूंगा इसे, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ठीक, यही है तुम्हारा जीन कोड, जेनेटिक कोड। पहले आपको सबसे पहले केवल चार मिले थे, ठीक, चार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, बाकी के पास नहीं पहुंचती थी, ठीक। तो ये प्रोसेस पहले रहता है, इसके थोड़ी दिक्कतें आई, फिर धीरे धीरे चार मिल गए, फिर 16 मिले, ठीक, कितने मिले, 16 मिले, फिर भी चार शेष बच गए। अब बात है कि प्रत्येक के पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है, क्योंकि जीन आपका जेनेटिक मतलब इकाई होती, ठीक है, इसे यूनिट होती है, अनुवांशिक इकाई बोलते हैं, तो सभी के पास 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ठीक, 20 के पास सूचना चाहिए, तो 20 के पास सूचना नहीं थी, 20 के पास सूचना की नहीं थी, इस वजह से दोबारा से आए, तब टोटल 20 आ गए थे, ठीक, टोटल 20 आ गए थे, 20 के पास मिल गया, तब ये बना था ट्रिपलेट में, ध्यान रखेंगे, क्या बना, कब बना था ये, ट्रिपलेट बना था, ट्रिपलेट में, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, यह पद्धति एफसी क्रिक द्वारा एफ एच सी क्रिक के नाम से मतलब दी थी, ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा, यह पद्धति जो ट्रिपलेट है ना, यह पद्धति एफ एच सी यह पद्धति FHC क्रिक, एक वैज्ञानिक है FHC क्रिक द्वारा दी गई, ठीक है, किसके द्वारा दी गई, तो बात करेंगे FHC क्रिक के द्वारा दी गई थी, ठीक है, आगे बढ़े और लिखेंगे, इसमें वैज्ञानिक पता चले गए, ठीक है, लिखेंगे आनुवांशिक या जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम है, ठीक, डीएनए अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण के लिए संदेश नियत रहते हैं, ठीक, जिसमें प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, क्या लिखोगे, जेनेटिक कोड क्या है, तो बोलेंगे जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए संदेश या इंफॉर्मेशन निहित है, ठीक, वो चीज लिख देंगे, वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए
अरे अब क्या लिखा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, अरे रुक जाओ, बहे अनुक्रम है जिसमें, अच्छा प्रोटीन, थोड़ा सेंटेंस गलत लग रहा है ना, सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे कट देंगे इसके लिए, जिस बहे अनुक्रम है जिसमें जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इंफॉर्मेशन निहित है। जो मैसेज होता है इंफॉर्मेशन निहित है, ठीक है समझ गए ना क्या होता है जेनेटिक कोड। दोबारा समझो, जेनेटिक कोड आनुवंशिकी कोड वह है डीएनए अणुओं में स्थित, डीएनए अणुओं में। अब बताएं डीएनए में, देखो मैं आपको सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं आज, डीएनए क्या होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है पदार्थ होता है, और इसमें जो जीन होते हैं वो आनुवांशिक इकाई होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डीएनए की बात है, डीएनए में जीन अपने आप आ जाए क्योंकि इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। तो अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारक का वही अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए कंफर्मेशन निहित होती है, ठीक है। तीन न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को लिखेंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा ऊपर और पेन चेंज, क्योंकि अब तुम कुछ अलग चीज लिखेंगे। तीन न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड वही हो जाए आपके डीएनए आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियो न्यूक्लियो टाइड, तीन न्यूक्लियो टाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को, उस ग्रुप को, उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड संदेश होता है, जिसमें किसी एक, जिसमें किसी एक, जिसमें किसी एक, जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है, ठीक है कोड होता है, प्रत्येक के लिए, ठीक। यानी तीन न्यूक्लियोटाइड को, तीन न्यूक्लियोटाइड उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए, अमीनो अम्ल के लिए कोड होता है, मतलब किसी एक को कोड आराम कर देगा, एक प्रोटीन को एक अमीनो अम्ल कोड करेगा, ठीक है कोड कर देगा। जिसे कोड करते हैं इस पर आराम से बिल्कुल, इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार जेनेटिक संकेत, इस प्रकार आनुवांशिक संकेत पद्धति में, इस प्रकार आनुवांशिक इस प्रकार आनुवांशिक संकेत पद्धति में, आनुवांशिक संकेत पद्धति में फोर, देखो ध्यान रखना, फोर की पावर थ्री, अभी मैं इसको लगा लो, ये लो कितने कोड होते हैं, फोर इंटू फोर इंटू फोर
कितने हो जाए 64 कोड होते हैं, 64 कोड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार अनुवांशिकी संकेत में पद्धति में अनुवांशिकी संकेत पद्धति में कितने कोड होते हैं, तो बोलेंगे 64 कोड होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं तो बोलेंगे 64 कोड होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके बाद आपका अगला छोटा छोटा हुआ है देख लेंगे, इसके बाद इसके टाइप, ठीक है, इसके टाइप यानी जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या हैं या जेनेटिक कोड के प्रकार, ठीक, किस किस तरह के होते हैं, तो हमें डालेंगे जेनेटिक कोड की विशेषताएं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं, ठीक है, जेनेटिक कोड की विशेषताएं। तो सबसे पहले आपका होता है जेनेटिक कोड यानी जो ट्रिपलेट वाला, ठीक है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड से ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड नंबर डालेंगे, ठीक है, जेनेटिक ट्रिपलेट कोड। अनुवांशिक कोड का प्रत्येक कोडन, अनुवांशिक कोड का यानी जेनेटिक कोड का प्रत्येक कोडन, प्रत्येक जेनेटिक कोड का प्रत्येक कोडन mRNA, ठीक है, mRNA के तीन, mRNA के तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम बनाते हैं, तीन नाइट्रोजन क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम बनाते हैं, विशिष्ट अनुक्रम, अनुक्रम बनाते हैं, ठीक है, अनुक्रम बनाते हैं, इसे ट्रिपलेट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ट्रिपलेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक, क्या कहोगे, ट्रिपलेट, जीन ट्रिपलेट, मैंने लिख दिया केवल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ट्रिपलेट कोड लिख लो, ठीक है, जीन ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे कामा विहीन, सेकंड नंबर लिखेंगे कामा विहीन, क्या नाम इसका है, कॉमा विहीन है, ठीक है, कॉमा लेस करके बोल देंगे इसे, कॉमा लेस बोलेंगे, कॉमा लेस। इसमें क्या होगा, इसमें दो कोडान के बीच कॉमा नहीं होता है, ठीक, दो कोडान के बीच कॉमा नहीं होता, ठीक
ठीक है, दो कोडान के बीच कॉमा नहीं होता। फिर लिखेंगे संदिग्धता, तीन नंबर लिखेंगे संदिग्धता, 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 संदिग्धता। एक विशिष्ट कोडान सदैव एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, ठीक है, क्या लिखा है, एक विशिष्ट कोडान, एक विशिष्ट कोडान हमेशा एक अमीनो एसिड को, एक विशिष्ट कोडान एक हमेशा अमीनो एसिड को कोडान करता है, कोडित करता है, ठीक है, कोडित, कोडित करता है, ठीक है, कोडित करता है। और लिखेंगे यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड, क्या इधर उधर हुआ है क्या सलाह दीजिए, ठीक है, हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड, या ऐसे बोलेंगे कोड की सार्वभौमिकता या सार्वभौमिकता, ठीक, सार्वत्रिक कोड। इसमें लिखे जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड वायरस बैक्टीरिया एक दिन सभी समान होता है, सभी में होता है, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब हो जाएगा सभी में, यूनिवर्सल ये कोड, ये कोड वायरस बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया व यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, देखो यू क्या हुआ, यूनिसेलुलर वायरस बैक्टीरिया व यूनिसेलुलर में समान होता है, ठीक है, सभी में क्या होगा, समान होगा, यही होगी सार्वभौम, मतलब सभी में एक जैसा होगा, सभी में समान होता है, समान होता है, वायरस बैक्टीरिया व यूनिसेलुलर सभी में समान होता है, ठीक है। अगला लिखेंगे फाइव नंबर में संरेखता, ये फोर है, संरेखता, संरेखता में लिखेंगे डीएनए व एमआरएनए, डीएनए डीएनए व एमआरएनए, डीएनए व एमआरएनए, डीएनए व एमआरएनए तब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, डीएनए व आरएनए व पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड सीरीज श्रृंखला में, श्रृंखला में संगत अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, संगत अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल अवशेष में रेखित विन्यास का पता चलता है, अमीनो में रेखित, अमीनो अम्ल में अवशेष रेखित, रेखित विन्यास होता है, पता चलता है, होता है, ठीक है,
ये होती है आपकी संरेखता डीएन। इसके बाद अगला लिख लेंगे, आठ तरह होते हैं, आठ उत्तर लिख लें, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको लिए। बोलेंगे इसमें लिखेंगे आप कोड का अपहास, कोड का अपहास, सिक्स नंबर का है, कोड का अपहास, अपहास, कोड का अपहास। अब कोड का अपहास में क्या लिखेंगे, केवल दो अमीनो अम्ल, केवल दो अमीनो अम्ल, दो अमीनो अम्ल, केवल दो अमीनो अम्ल, जैसे कौन सा दे रखा, एक है मेथियोनिन, एक है ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, 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 एक अगला आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो, ट्रिप्टोफैन, ये अमीनो अम्ल के नाम है, ठीक है, दो ट्रिप्टोफैन के लिए एक के कोड होता है, के लिए एक एक कोड होता है, और होना चाहिए सभी के लिए एक एक, ठीक है, सभी के लिए एक होना चाहिए, लेकिन इनके लिए एक एक होता है। शेष अमीनो अम्लों के चालन के लिए दो दो कोडान होते हैं, दो दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है, शेष के लिए, शेष के लिए दो या तीन होते हैं। शेष के लिए दो या तीन होते हैं, ठीक है, तो इसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, अपहास्य प्रणाली बोलते हैं, या अपहास्य कोड बोलते हैं। इसके बाद आगे डालेंगे, सेवन नंबर पे जाएंगे, प्रारंभिक या सारंभ कोडान, ठीक है, सेवन रखेंगे, प्रारंभिक कोडान, प्रारंभिक कोडान, प्रारंभिक कोडान, ए यू जी कोडान दो कार्य करता है, ए यू जी, ए यू जी कोडान दो कार्य करता है, ए यू जी कोडान दो कार्य करता है, ठीक है, यह प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त, यह प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त अमीनो अम्ल यानी मेथियोनिन को कोड भी करता है, ठीक है, मेथियोनिन को, मेथियोनिन क्या होता है आपका, एक अमीनो अम्ल है, तो भाई लिख देंगे अतिरिक्त मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। अगला लिखेंगे, लास्ट है आपका सेवन नंबर, एट, एट नंबर में क्या लिखेंगे, एट नंबर लिखेंगे समापन कोडान या स्टॉप कोडान, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, स्टॉप, स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान,
स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन में क्या होगा, कोडन ए यू समापन कोडन है, ए यू ए ए यू ए ए यू डबल ए यू ए जी यू ए जी, और इसके बाद आपका है यू जी ए यू जी ए, ए तीन, ए तीन स्टॉप कोडान है, ठीक है, कैसे हैं स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान है, ठीक, यू डबल ए यू ए जी यू जी ए, ए तीन कैसे आपके हैं स्टॉप कोडान है। अब मैं आपको बता दें, देखो ये कैसा होता है, आपके पास चार होते हैं ए सी जी यू, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे ऊपर, फिर इसके बाद क्रॉस कराते हैं तब जाके चीजें मिलती है, ठीक है, ठीक है, ऐसे आपके तीन हो जाएंगे, कौन से स्टॉप कोडान है, ठीक। अब स्टॉप कोडान क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, लिख लेंगे, ये किसी भी, किसी भी अम्ल को, अम्ल यानी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, ठीक है, अम्ल जगह पे क्या लिखें, अमीनो अम्ल को, ठीक, किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, इस वजह से क्या है स्टॉप कोडान है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त, स्टॉप मतलब खत्म करना, स्टॉप रुकना, समाप्त करना, ठीक, ये पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को खत्म करते हैं या समाप्त करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। तो ये आपका था जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक्स कोड से रिलेटेड, आनुवंशिक कोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अब आप इसे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक। अगले में आपके लिए एक क्वेश्चन आता है आपका आनुवंशिक, यानी जो आपका जेनेटिक कोड है इसके म्यूटेशन, जेनेटिक कोड इसका म्यूटेशन कैसे होता है, ठीक, वो मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है, क्योंकि ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय, ओके। द्रव्यमान की अगर हम इसके बात कर लें, ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672, ठीक है, एक